अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट, ठीक है ना। कोई भी एक सर्कल होगा ना हमारे पास, और एक कॉर्ड डिजाइन करना है, एक कॉर्ड PQ का इक्वेशन बताना है, और इस PQ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो एक कोऑर्डिनेट को दिया गया है। ये कोऑर्डिनेट आपको पता रहेगा, बाकी आपको कुछ नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो एक जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आप लोग ने क्लास में पढ़ा होगा, इसको एक रिवीजन की तरह मैं आपको शो कर दूं, दैट इज टी इक्वल्स टू एस वन, ठीक है ना। ये हम लोग जनरल फॉर्मूला जो हम लोग सर लोग टीचर्स आपके क्लास में पढ़ाते होंगे, टी इक्वल्स टू एस वन। प्रूफ रूफ आप देख सकते हैं कॉपी में, प्रूफ करने का तरीका मैं तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे इस इक्वेशन को हैंडल करने के लिए, और कोई कॉन्सेप्ट होगा तो आपको बताएंगे। अच्छा, अगर मेरा इक्वेशन एस जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको तो पता होगा ना, पहले भी हमने टी निकाल रखा है, टी क्या होता है एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन। अच्छा, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू होता था एक्स के जगह पे, डिवाइडेड बाई टू, ये टू और टू ये कैंसिल हो जाता था, प्लस एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन बाई वाई वन प्लस सी, ये हो गया टी। और एस वन हमारा क्या हो जाता था, वो होता था एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी। जब हम टी इक्वल्स टू एस वन लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉर्ड का इक्वेशन, ठीक है। ये तो था हमारा मेथड वन जो हमें क्लास में डिस्कशन किया जाता है। अब हम देखते हैं मेथड टू, हम स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे जब हम ज्वाइन करेंगे सेंटर से तो 90 डिग्री बनेगा, और ये मिड पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन दिया है ना, एक्स वन और वाई वन आपको जो है वो दिया है, एक्स वन है और ये वाई वन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो जरा देखिए, ये पॉइंट गिवन है और सेंटर गिवन है, तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे। मान लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन इज एम वन, ठीक है, और PQ जो लाइन है, लेट इक्वेशन ऑफ PQ बी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लेट इक्वेशन ऑफ PQ बी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो PQ का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो m चाहिए और एक c चाहिए। तो PQ लाइन जो है इस लाइन से परपेंडिकुलर है, और ये मिड पॉइंट और ये सेंटर हमें पता है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो एम वन जो है यहां पे स्लोप, ये एम वन और इस लाइन का स्लोप हमने क्या मान रखा है एम, तो एम इंटू एम वन क्या हो जाएगा, एम इंटू एम वन जो होगा हमारा माइनस वन होगा, तो एम क्या मिल जाएगा हमें, माइनस वन बाई एम, एम वन माइनस वन बाई एम वन, ये तो हमें पता है क्योंकि हमें दोनों कोऑर्डिनेट पता है। तो हमने एम निकाल लिया, अब निकालना है सी। तो ये जो लाइन है, ये जो पी क्यू लाइन है, इसका मिड पॉइंट एक्स वन वाई वन एक कोऑर्डिनेट हमें पता है, ठीक है ना। जब हमें कोऑर्डिनेट पता है तो हम अगर इसमें रखे, ठीक है ना, दोनों कोऑर्डिनेट को अगर हम इसमें हम रख दे और एम भी पता है,
एक पॉइंट पता है तो एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो सी भी हमें मिल जाएगा। सी भी हम फाइंड कर लेंगे, एम भी हम फाइंड कर लिए, हो गया। एम क्या था, एम जो हमने फाइंड किया एम वन इंटू एम टू माइनस वन से, एंड सी जो हमने फाइंड किया, सी जो हम फाइंड कर रहे हैं वो एम से और दो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो ये हमारा इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। अब जो भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है, जो टॉपिक था मिड पॉइंट गिवन है और कॉर्ड का इक्वेशन हमें बताना है, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को करेंगे। सर्कल का इक्वेशन हमें दिया गया है, सर्कल का इक्वेशन जो है एस, और दे दिया गया हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट वाई माइनस एलेवन। तो टी क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन प्लस थ्री टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन प्लस फोर टाइम्स वाई प्लस वाई वन माइनस एलेवन। तो टी हम निकाल सकते हैं, एक्स वन क्या है हमारा वन है, एंड वाई वन क्या है माइनस वन है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस थ्री टाइम्स एक्स प्लस वन प्लस फोर टाइम्स वाई माइनस वन माइनस एलेवन। तो जब इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा फोर एक्स माइनस थ्री वाई, ये एक्स एंड थ्री एक्स मिलकर फोर एक्स, माइनस वाई फोर वाई मिलकर ये जाएगा थ्री माइनस फोर माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व, ये तो आ गया टी। और एस वन क्या होगा हमारा, वो होगा वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू वन प्लस एट इंटू माइनस वन माइनस एलेवन, ये होता है टू प्लस सिक्स माइनस एट माइनस एलेवन, ये कैंसिल हो गया। तो एस वन आ गया मेरा माइनस एलेवन, और जो हमारा कोऑर्डिनेट का जो जो हमारा पी क्यू का जो इक्वेशन था वो हो गया फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू माइनस एलेवन, और इक्वेशन हो गया हमारा फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ये तो था मेरा मेथड वन। अब हम मेथड टू से करते हैं ना, सेंटर हम पता कर लेंगे, सेंटर क्या दे रखा है माइनस थ्री एंड माइनस फोर, मिड पॉइंट क्या दे रखा है वन एंड माइनस वन, तो स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया माइनस फोर माइनस वन दैट इज माइनस थ्री बाई माइनस वन माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस वन माइनस थ्री एंड माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस थ्री माइनस वन, तो गया माइनस माइनस फोर, तो इनका जो स्लोप हो गया दैट इज थ्री बाई फोर, ये स्लोप हुआ इसका, ठीक है ना। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू बी वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, देन एम इंटू थ्री बाई फोर इक्वल्स टू माइनस वन, देयर फोर एम इक्वल्स टू माइनस फोर बाई थ्री, तो हमें एम मिल गया। तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस फोर बाई थ्री एक्स प्लस सी। अब हमें c फाइंड करना है, c फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट दे रखा है वन एंड माइनस वन, जहां से pq पास कर रहा है, तो pq लाइन वन एंड माइनस वन से पास कर रहा है। तो जब हम इस पॉइंट को जब हम इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हमें c मिल जाएगा। तो ये माइनस वन इक्वल्स टू माइनस फोर बाई थ्री प्लस सी, देयरफॉर सी इक्वल्स टू वन बाई थ्री, तो हमारा इक्वेशन हो गया थ्री वाई माइनस इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन। ये जब उधर जाएगा ये हो जाएगा थ्री वाई प्लस फोर एक्स
माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये y और x हो गया ना, और x जो था हमारा y था, y होगा माइनस वन था, यहाँ हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, फोर एक्स प्लस वाई प्लस थ्री वाई, फोर वाई माइनस वाई दैट इज प्लस थ्री वाई, प्लस थ्री वाई प्लस थ्री वाई, ठीक है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है ये एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है और उस पर कॉर्ड दे रखा है और कॉर्ड का हमें उस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। तो जरा हम लोग ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं ढूंढने का। देखिए ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड का इक्वेशन जो गिवन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, तो ये जो जो भी लाइन होगा, ये जो भी लाइन हो y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, अगर इसका x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x प्लस टू। यही करते हैं ना, जैसे कि x जीरो रखते हैं तो x हम जीरो रखेंगे, तो y क्या हो जाएगा जीरो प्लस टू, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस टू, तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट के, ये ना सारे हम कोई भी पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, सारे पॉइंट इसी फॉर्म में होंगे x एंड x प्लस टू, और गिवन कंडीशन से हम जो भी एक कंडीशन गिवन होता है, हर पॉइंट के लिए एक अलग कंडीशन गिवन होगा, उसके लिए हम अलग x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो यहां हम जाते हैं, जो ये PQ लाइन है, लेट द पॉइंट बी, ठीक है ना, x प्लस टू, ठीक है, ठीक है, हमारा जो पॉइंट है x प्लस x एंड x प्लस टू, तो जो इसे हम कह देते हैं पॉइंट m और इसे कह देते हैं c, ठीक है। हमें x कोऑर्डिनेट खोजना है, x कोऑर्डिनेट खोजना है, x मिल गया तो हमें पॉइंट भी मिल गया ना, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ PQ इंटू MC क्या होगा, माइनस वन होगा। अच्छा देखिए यहां पे x एक ही वेरिएबल है, x हमें खोजना है, एक ही वेरिएबल है, तो हमें इक्वेशन एक चाहिए, और इसके लिए कंडीशन क्या होता है मिडिल पॉइंट का, कि जो मिडिल पॉइंट और सेंटर को जब हम ज्वाइन करें कॉर्ड से तो 90 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो MC, ठीक है, तो स्लोप PQ, PQ का स्लोप क्या है, लाइन का इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू m, स्लोप क्या है वन, वन इंटू MC का ना, MC का स्लोप निकालना है, MC का स्लोप निकालेंगे, ये होगा x प्लस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस टू इक्वल्स टू माइनस वन, ये स्लोप हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, x आएगा हमारे पास माइनस थ्री बाई टू, और माइनस थ्री बाई टू को जब हम इसका इस पॉइंट का मिडिल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया माइनस थ्री बाई टू, और जब हम x माइनस थ्री बाई टू जब हम यहां पुट करेंगे, यहां पे जब हम पुट करेंगे ये होगा y, हमें मिलेगा वन बाई टू, और यही हमारा मिडिल पॉइंट हो जाएगा कॉर्ड का। सबसे पहले तुम कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं, कॉमन टेंजेंट वो टेंजेंट होता है जो दो सर्कल को टच करता हुआ जाए। तो ये देख सकते हैं, ये एक जो टेंजेंट है ये कॉमन टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट जो है एक कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना। अब हम इसको अगर ये भी एक कॉमन टेंजेंट है, ये भी एक कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना। तो एक टेंजेंट जब दो सर्कल को टच करता हुआ निकले, ठीक है ना, या फिर एक लाइन दो सर्कल पे टेंजेंट बनाए तो उसे हम कॉमन टेंजेंट कहते हैं। तो दो सर्कल पे कितने कॉमन टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये तो सर्कल के पोजिशन पर डिपेंड करेगा। जैसे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं
तो टोटल टेंजेंट कितने हो गए कॉमन टेंजेंट, 1, 2, ये 3 और ये 4। अगर यही अगर एक दूसरे को टच करते, ठीक है ना, अगर एक दूसरे को टच करते तो कॉमन टेंजेंट कितने होते, 1, 2, 3। तो ये तो इस चीज से हमें पता चल रहा है कि कॉमन टेंजेंट इस पे डिपेंड कर रहा है कि सर्कल का पोजीशन क्या है, दोनों सर्कल का पोजीशन क्या है। तो हम जरा इस पे और जरा बातों को ध्यान देंगे और जानेंगे कि किस कंडीशन में कितने कॉमन टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सर्कल के पोजीशंस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले अगर हम उसे देखें तो सर्कल के एक तो पोजीशन ये हो सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या टच ना करें। अगर दोनों एक दूसरे को टच ना करें, ये मान लेते हैं C1 है, इसका सेंटर है C2, तो किस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कब, जब ये जो C1 C2 जो डिस्टेंस है इसका रेडियस मान लेते हैं R1, इसका रेडियस मान लेते हैं R2। तो पहला केस हम स्टडी करते हैं जब दोनों सर्कल एक दूसरे को नाइदर कट नाइदर टच, ना ही कट करे ना ही टच करे। तो ये हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा C1 C2 डिस्टेंस इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ये केस में सर्कल एक दूसरे को टच भी नहीं करेगा और एक दूसरे को कट भी नहीं करेगा। तो इस केस में टोटल कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, ये जो थर्ड होगा हमारा थोड़ा ऐसे आएगा, ठीक है, और फोर्थ होगा हमारा ऐसे, ठीक है, ये हमारा होगा, ये ऐसा बनेगा, थोड़ा फिगर खराब बन रहा है, कोई बात नहीं, ये एक ऐसे, अगर हम इसका फिगर देखें तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे जाके हम इस फिगर को देख सकते हैं, ये फिगर देखिए, तो इस फिगर को देख के हमें पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है, चार फिगर में चार टेंजेंट कैसे बन रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब सेकंड केस होगा हमारा, नहीं यार नहीं अच्छा हुआ, तो अभी अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो दो सर्कल आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं ये हम जरा जानते हैं। तो देखिए, ये पहला जो फिगर है वो ये है कि दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये केस कब होगा, ये इस केस में कब होगा, ये मान लेते हैं मेरा सेंटर C1 है और ये मेरा सेंटर C2 है, और इसका रेडियस R2 है और इसका रेडियस R1 है। तो C1 C2 जो डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा C1 C2, ये तो बड़ा होगा R1 प्लस R2 से। तो ऐसा जब भी कभी हो, ठीक है, तो दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और टोटल फोर टेंजेंट्स दैट आर कॉमन, ठीक है ना, फोर कॉमन टेंजेंट्स। ये सेकंड केस होगा हमारा, ठीक है, सेकंड केस होगा कि जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये मान लेते हैं मेरा सेंटर C1 है और ये मेरा सेंटर C2 है, तो टेंजेंट पे तो 90 डिग्री बनाएंगे और इधर भी 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसमें ये डिस्टेंस R1 होगा और ये डिस्टेंस R2, अगर माने हम इसे हम R1 माने और R2 माने, तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा C1 C2 जो डिस्टेंस होगा डेट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो इस केस से हमें पता चलेगा कि ये दोनों सर्कल है जो एक दूसरे को टच कर रहा है, और इस केस में 3 कॉमन टेंजेंट्स हम बना सकते हैं, ठीक है। और ये थर्ड केस है जिसमें
अगर हम इसे C1 माने और इसे हम C2 माने, ठीक है, तो C1 C2 जो डिस्टेंस होगा, C1 C2 जो डिस्टेंस होगा हमारा, तो इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहां पे C1 C2 जो लेस देन होगा R1 प्लस R2 से एंड ग्रेटर होगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है ना। तो ये जब R1 माइनस R2 मॉड ऑफ R1 माइनस R2 R1 प्लस R2 के बीच में अगर डिस्टेंस आ रहा है C1 C2, तो ये कंडीशन होगा जब दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहां पे दो कॉमन टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, एक ऐसे टच करते हुए जाए और एक यहां से ऐसे टच करते हुए जाए, ठीक है ना। इसे हम कह सकते हैं T1 और इसे कह सकते हैं T2, तो टू टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कैसे समझ में आ गए। हमारा फोर्थ केस होगा, ये तीन केस हमने देख लिया, ये थर्ड केस था। फोर्थ केस होगा जब ये छोटा वाला सर्कल अंदर जाके इस बड़े सर्कल को ना ऐसे टच करे, ऐसे टच करे, ये वाला, ठीक है ना। पहले तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे और मैंने सर्कल को ना अंदर मार मार के अंदर डाल दिया और ये एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करने लगा, ठीक है। तो ये फोर्थ पोजिशन होगा, इसमें क्या होगा, इसका जो अगर मैं इसे C1 मान लू सेंटर और इसका C2 मान लू, तो C1 C2 जो होंगे दैट विल बी, ठीक है ना, इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। मतलब ये पूरा डिस्टेंस जो है, इस पूरे डिस्टेंस में से ये पूरा R2 होगा। अगर मैं बड़े वाले को बोलूं दिस इज R2 और छोटे वाले में बोलूं R1, तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दिस फुल लेंथ माइनस C1 C2 ना, ठीक है ना। तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा इस पूरे लेंथ में से, अगर हम इस छोटे वाले लेंथ को अगर हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, C1 C2 का डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर ये मान ले हम एम पॉइंट मान ले, तो C2M जो होगा वो होगा C1 C2 प्लस C1M। C1 C2 हमें डिस्टेंस निकालना है, C2M क्या है, बड़ा वाला रेडियस डेट इज R2 इक्वल्स टू C1 C2 प्लस C1M ना, C1M सेंटर से लेके इस टेंजेंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस R1। तो C1 C2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। अच्छा यहां देखिए, मैंने मॉड ऑफ R1 माइनस R2 लिखा है, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मॉड डाल दिया गया, तो मॉड डालने का ये बेनिफिट हो गया कि R1 माइनस R2 करो तो हमें लेंथ, रेडियस का लेंथ हमें देखने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा R1 अगर लेस है तो लेस माइनस ग्रेटर करेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा और मॉड उसे पॉजिटिव बना देगा। अगर हम मॉड यूज नहीं करते हैं तो हमें R2 हमें वो रेडियस लेना पड़ेगा जो सबसे ग्रेटेस्ट है। तो इस चीज के लिए मेरे पास एक ही कॉमन टेंजेंट होता है जो दोनों पॉइंट जहां पे टच कर रहे हैं सर्कल एक दूसरे को, वहां से एक टेंजेंट गुजरे, ठीक है ना। और ये लास्ट कंडीशन होता है, इसका होता है फिफ्थ कंडीशन जो है कॉमन टेंजेंट के, ये C1 C2 इज लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 मॉड ना मॉड, तो इसमें नो कॉमन टेंजेंट। देखिए ये C1 है, ये C2 है, C1 C2, C1 C2 डिस्टेंस हो जाएगा। C1 C2 अगर ये M मान लेते हैं ना, M मान लेते हैं और ये P मान लेते हैं, यहां पे जो पॉइंट पे टच करा इसे हम P मान लेते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। तो C1 C2 डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा C1M माइनस
MC2, ये लेंथ अगर x मान ले हम MP, तो C1M ना, C1M माइनस MC2, MC2 लेंथ को हम लिख सकते हैं MP प्लस PC2, C1M माइनस MP प्लस PC2। अब देखिए, ये PC2 जो है ये स्मॉलेस्ट रेडियस है R1, एंड C1M जो है ये बड़ा वाला रेडियस है R2। तो हम इसे लिखते हैं R2 माइनस MP, हमने क्या माना है x, R2 माइनस x, और ये माइनस MP था ना, और माइनस PC2, माइनस PC2 ना, PC2 कितना होगा R1 माइनस R1, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2 को ब्रैकेट में डाल के माइनस x, ठीक है ना। अगर हम इस माइनस को अगर हम हटा दें, माइनस को अगर हम हटा दें, ठीक है ना, तो ये वाला साइन ग्रेटर हो जाएगा, R1 माइनस R2 ग्रेटर हो जाएगा C1C2 से, ये है ना C1C2। अगर हम माइनस x हटा दें तो C1C2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। जैसे देखिए 5 इक्वल्स टू 5 है ना, 5 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, मैं इसी तरह बताता हूं, C1C2 5 है, R1 माइनस R2 अगर 7 है तो x क्या होगा 2, देन 5 इक्वल्स टू 7 माइनस 2। अगर हम नेगेटिव वाले टर्म को अगर हम हटा दें, हटा दिए ना, इसे हटा दिए, तो 7 तो इंक्रीज हो गया ना, तो क्या हो गया 5 लेस देन 7। इसी तरह अगर हम माइनस एक्स को अगर हम हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, R1 माइनस R2 ग्रेटर देन C1C2, R1 माइनस R2 ग्रेटर देन C1C2। अच्छा, हम मॉड इसीलिए ले लिए, सेम रीजन है जो यहां पे मॉड लिया था, आप R1 माइनस R2 में अगर मॉड ले लेते हैं तो आप R1 छोटे वाले भी डाल सकते हैं और बड़े वाले रेडियस भी डाल सकते हैं। अगर आप मॉड नहीं ले रहे हैं तो R1 आपको हमेशा बड़ा रेडियस डालना पड़ेगा। तो ये 5 तरीके थे कॉमन टेंजेंट्स के, कितने कॉमन टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं और कितने पोजीशंस हो सकते हैं सर्कल का एक दूसरे सर्कल के साथ।